नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। दोस्तों, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने तबलीगी जमात के लोगों की बदतमीजी पर विवादित बयान दे दिया है। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से इस बारे में बात की है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। राज ठाकरे ने कहा, मरकज में शामिल ऐसे लोगों की बदतमीजी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, इसलिए इनका इलाज करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि इन्हें गोली मार देनी चाहिए। इस दौरान राज ठाकरे ने थूक लगाकर वायरस फैलाने वालों को भी सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। राज ठाकरे ने कहा कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी घटिया काम करने वाले पर ध्यान रखें, लॉकडाउन खत्म होने के बाद हम भी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में तबलीगी जमात के कोरोना मरीजों का इलाज कर रही गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर आरती लालचंदानी ने बड़ा आरोप लगाया है। डॉक्टर आरती लालचंदानी ने कहा कि उनके अस्पताल में इलाज कर रहे तबलीगी जमात के कोरोना मरीज इलाज के जरा भी सहयोग नहीं कर रहे हैं और अपने हाथों में थूक लगाकर वार्ड की रेलिंग, दीवारों और सीढ़ियों पर चिपका रहे हैं। गौरतलब है कि तबलीगी जमात के लोगों पूरे देश को अब खतरे में डाल दिया, जहाँ एक तरफ इस जमात के लोगों ने कोरोना वायरस के संकट को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो वहीं कोरोना वायरस के संक्रमित तबलीगी जमात के लोग अब डॉक्टर और नर्सों के साथ भी अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, जिसके चलते देश में तबलीगी जमात के लोगों के लिए गुस्सा है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद। जय हिंद।